कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है तो? वो खाते हैं हरी क्रा। हाँ हाँ। वह कितने रहते हैं तुमरे? लाख लाख कितने हैं? कितने हैं क्यों? ते बहुत रहे हो ठाले ला। ते वो बे ये दे कि जिम्मेर के कि जिम्मेर हो। मेर वे है। ये दे पाला हाँ। मेर वे है ये जो है। ये दे। खास दे दे दिख रहा। तो गांव के बच्चे जो ये खजूर की लड़कियाँ होती है उसको पत्थरों से तोड़ते हैं, फिर कुछ पकी जो लड़कियाँ होती है वो गिर जाती है टूट के, या फिर उसको चुग के पूरा दिन खाते हैं उसको, और इससे भरपूर विटामिन की पूर्ति इनको मिलती है। तो ये है आदिवासी बच्चों के जीवन, जो कि अभी गर्मियों की छुट्टियों में ये सारा दिन ऐसे ही बिताते हैं। कैसी होती दिखाना? तो ये देखो, ये इन्होंने पत्थर मार के और ये तोड़ी है। कैसी है? खाओ इसको। इधर इधर आओ सामने। अच्छी लगी? इधर आओ, इधर 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 धूप में। हाँ इधर बैठो। तो तुम ये खजूर छुट्टियों के अंदर ऐसे खजूर तोड़ते हो और खाते हो? अच्छे लगते हैं, ताकत मिलती है इनसे। ये है गांव में ग्रासिया जनजाति के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे। तो ये जंगलों की चीज़ों को बहुत ही पसंद करते हैं। बोर वगैरह भी उगते हैं क्या यहाँ पे? बेर और आम सारे जंगल में मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये। राम राम। राम राम। राम राम। राम। यहाँ पे है क्या अपन? ये कान में ऐसे छेद क्यों करते हैं ऐसे? इसमें तो वो डालते हैं। अच्छा, फिर दूसरे में नहीं? नहीं, दोनों में। एक में नहीं है, एक खत्म। दोनों में रहता है? तो एक में कैसे बंद हो गया? एक में एक बंद हो गया, एक है। क्या नाम है इनका? काली। काली भाई। काली भाई। कितने साल के हो गए? उम्र कितनी? उम्र इसको क्या मालूम? पता ही नहीं। पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो है कोयला ऐसे 90 के? 80-90 साल के हो गए। तो ऐसे लकड़ी से चल लेते हो, गांव में घूम लेते? नहीं, ये तो इधर ही आई है। नहीं, अभी हम रास्ते में आए थे, वही देना ही। हाँ, हम रास्ते में। लाख वह कितने हैं तुमरे? लाख वह कितने हैं? कितने हैं क्यों? ते बहुत रहे हो ठाले ला। ते वो बे ये दे कि जिम्मेर के कि जिम्मेर हो। मेर वे है। मेर दे पाला हाँ। मेर वे है ये जो है। ये दे। खास दे दे दिख रहा। ये आपकी फोटो दिख रही है? फोटो 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 देखो हो थे हमरे? हो फोटो नहीं दिखती? नहीं देखा है? तो बाला नहीं दिखता? तो फिर कैसे चल के आ जाते हो इतनी दूर इशारे से? ये दे दे, दिखता है थोड़ा थोड़ा दिखता है। कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है तो? वो खाए तो दे दिख रहा। हाँ हाँ। क्या वो खाए तो दे? क्या वो?
चलो तुम्हारी फोटो भेज देंगे इनको कोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। मैं अभी जायदा गांव है वहाँ का देखने आया हूँ किस प्रकार से रहन सहन है। तो आप मेरे पीछे देखे थे अभी, ये यहाँ की कच्ची झोपड़ी है जो कोल्हू से बनी हुई है और अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं जो लगभग नीचाई से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ों पर ज़्यादातर यहाँ माउंट आबू के जो जायदा गाँव है या ऊंचलागढ़ निचलागढ़ सारे पहाड़ों के बीचों बीच में है, तो सभी पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो सांस भी भर रहा होगा, ऊपर चढ़ के आगे का व्यू दिखाएंगे हम आपको। तो हम इस घर में आए हैं और नीचे ये खेती है, पूरे खेत है और वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से हम पैदल पैदल आए और ये ऊपर से देखो कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखता है। तो आप देखेंगे पतली पतली जो पत्थर की जो चीप होती है छोटे छोटे टुकड़े, उनसे ये दीवारें बनाई हुई है और ये है वो घर जहाँ हम ऊपर आए। ये दिखाने के लिए लेके आए हमको ग्रासिया जनजाति और ये नीचे का व्यू है, पूरा खजूर ही खजूर है यहाँ पे चारों ओर, जहाँ देखो वहाँ खजूर ही खजूर के पेड़ है। दोस्तों ये पहाड़ी के बहुत ही ऊपर बना हुआ है कोल्हू का मकान और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई रहता नहीं है और ये देखो किस प्रकार का यहाँ पे घर है। ये बकरी का बाड़ा है और ये छान बना रखी है और पास में ये घर और है। तो दोस्तों ये है बहुत ही खूबसूरत जायदा गांव और यहाँ पे मेरे को देखने को मिला अंजीर का पेड़। यहाँ के लोग अंजीर बचपन से ही खाते हैं, बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है ये वाला और ये बच्चे भी अंजीर तोड़ रहे थे इस पेड़ पे, आप देखोगे बहुत सारी अंजीर लगी हुई है। ये जो दिख रहे हैं ये जो दिख रहा है ये अंजीर का पेड़ है, यहाँ बहुत सारे अंजीर के पेड़ अंजीर लगी हुई है, पेड़ पे अंजीर लगी हुई है बहुत सारी और अंजीर कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मक्के के जो वेस्टेज होता है उसको गायों के लिए रखते हैं पेड़ पे, पर हवा में जो ख़राब नहीं होता और गायों को डालते रहते हैं। तो ये है बहुत ही खूबसूरत छत जो आप देखेंगे और ये पहाड़ियों के बीचों बीच है, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों मैं काफ़ी हाइट पे चढ़ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए कि कोल्हू कैसे होते हैं। ये नई डिज़ाइन के कोल्हू है और इस साइड आप देखोगे पुरानी डिज़ाइन के कोल्हू है। तो ये आज हमारा आखिरी वीडियो है, आज हम यहीं समाप्त करेंगे आबू रोड के वीडियो और ग्रासिया जाति के, और आगे के लिए हम रवाना होंगे नई यात्रा और नई जर्नी के साथ। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।